बाबा कौन सी जमात को पसंद करते हो, अगर बल्दियात का वोट डालना पड़े किसको डालोगे? यार मैं सोच कर रहा हूँ कि जब बंदा वोट डाल रहे ना, पहले दो रकात नफल पढ़ करके फिर अपने दिल से सोचो, उसी को वोट दो जो इंसानों को खिदमत करते हैं और अल्लाह की। आपको कौन लगता है, कौन पसंद, कौन आ रहा आपको? मैं सोच रहा हूँ कि वही ये मौलवी अच्छा है। कौन सा वाला, जो जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम, दोनों में से एक जो भी है? तो मौलवी, मौलवी आप चाहते हैं मौलवी को? मौलवी को। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। कौन जीतेगा बल्दियाती इलेक्शन? जमीयत उलमा इस्लाम आज जुबैर अली जीतेगा, मीर पेशावर आएगा इंशाल्लाह। मीर पेशावर, मीर पेशावर जुबैर अली आज जमात इस्लामी से? जमीयत उलमा, जमीयत उलमा इस्लाम से इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी उम्मीद है। और पाकिस्तान पीटीआई वाले कोई काम नहीं किया? तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ वाले ने कोई काम नहीं किया। मेट्रो बनाई तो है सामने, सिर्फ मेट्रो बनाए, गरीब तो मर गया, सब परेशानी में, परेशान है, कारोबार नहीं है, सब सब ये देखो आपको पता चल जाए, सारा बाजार देखो, सारी दुकानदार इसी तरह खड़े हैं, कारोबार नहीं है। अच्छा, हम भी इधर पेशावर का रहने वाले हैं, इधर पैदाइश हुए, कोई ऐसा नहीं आए बगैर जमीयत उलमा इस्लाम का, जो जमीयत उलमा इस्लाम को वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। किस्सा खानी में मौजूद है, हम किस्सा खानी से थोड़ा सा दूर मौजूद है और एक भाई मिले हैं, उन्होंने बड़ी एक ना स्ट्रेंज सी बात बताई है, वो मैं अगर पहले आपको सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आपने मुझे कहा कि मैंने दो बार पीटीआई को वोट डाला। दो बार दिया जी, बिल्कुल पीटीआई। और आप? अब इंशाल्लाह बड़ा मुश्किल है कि पीटीआई को वोट दें। क्यों? बस जो हालात मुल्क के जा रहे हैं, जो महंगाई है, जो परेशानी है। वो कहते हैं मेट्रो बनाइए आपके लिए, आपकी पुलिस का निजाम बेहतर किया है, सारी चीजें बेहतर की। सिर्फ मेट्रो तो नहीं है ना, अब और भी चीजें तो देखें ना इसमें। खान साहब कहते हैं सड़कों से तरक्की नहीं होती। सड़कों से तो तरक्की नहीं होती है ना, और देखें जो मुल्क के हालात हैं, जो घी को देखें, आटे को देखें, इसका मतलब इन सारी चीजों को देख के आपने सोचा कि आप मैं बदल लूं? नहीं नहीं नहीं, बस पीटीआई जो है वो उसको नहीं, और पार्टियां अच्छी हैं पेरिस से। अच्छा, किस आप किसको पसंद कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जोर में है? बस यहाँ पिशौर में तो ज्यादातर एएनपी और जमात इस्लामी, एएनपी और जमात इस्लामी का जोर है, जोर है पिशावर। चले ठीक है, आपको लगता है कि मेयर भी इनमें दोनों में से पार्टी किसी एक पार्टी का हो सकता है, इन्हीं में से आए? चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू। बाबू जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर। कौन सी जमात पसंद आ रही है आपको, लगता है कि ये बल्दियात की हुकूमत बनाएगी अपना अमीर पिशावर में या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जिलों में अपने अमीर लेके आएगी, मेयर जिन्हें कहते हैं? सर जी कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है सर, कोई पार्टी अच्छी नहीं, पार्टी अच्छी नहीं है। तहरीक इंसाफ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तहरीक इंसाफ से क्या गिला नहीं मिला है सर, इंसाफ ही नहीं मिला। इंसाफ नहीं, हम जीप से किराए दे रहे हैं, जीप से हाँ। दुकानदारी कर रहे हैं, जीप से दे रहे हैं, जीप से खा रहे हैं, उल्टा जुलम है, टैक्स है, काम खराब है सर ये तीन चार महीनों से। इसका मतलब कोई भी नहीं पसंद? कोई नहीं पसंद सर। वोट डालने जाएंगे? नहीं सर नहीं जाएंगे। चले जाइएगा वोट डाल, अपनी मर्जी से किसी को तो डाल? नहीं किसी को भी नहीं, दिल नहीं मांगता है सर। वोट में हिस्सा ही नहीं लेना? बिल्कुल सही नहीं सर, वोट में हिस्सा ले ले बाबा। नहीं सर कोई टेंशन नहीं। अच्छा बिल्कुल, जब दिल तोड़ गया सर, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया सर सारे जमातों ने, बस सुबह से मेहनत करो और शाम को खाओ, सुबह निकलो और शाम को खाओ, यही जिंदगी है सर। सर पहिया चल रहा, पहिया चल रहा है, कोलू का बैल बन गया। बस बस मजदूरी करो, सुबह निकलो और शाम को बस खाओ और फिर सुबह निकलो, यही हालात है सर। जिंदगी का मकसद नहीं रहेगा? नहीं नहीं रहेगा सर। अपना ख्याल रखें बाबा, थैंक यू। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? बिल्कुल। भजन किसको वोट डालेंगे आप? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को? अच्छा, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को? बिल्कुल सी पर है, इतना महंगाई किया था, लोग जेब से पैसे, लोग अभी भी कुछ लोग मोहब्बत करते हैं उससे। बस ये उसका मर्जी है, उसका घर का कोई इससे मानता नहीं है। बिल्कुल दीनी माते वो बस। तो जमात इस्लामी से क्यों मोहब्बत करते हैं? बस मोहब्बत दीनी दीनी वजह से। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। आपका वोट बना? हाँ। किसको वोट डाला? मैं पीटीआई को।